हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी विद साक्षी फैमिली में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही नई चीज़ लेकर आई हूँ रिव्यू। तो फ्रेंड्स, ये है बॉल काटी बोल सकते हो, बॉल हैंगिंग एक तरह से। तो बिना ठोके बुना कुछ ड्रिल किए आप इसे बहुत ही अच्छे से होल्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते, उसी का रिव्यू लेकर आई हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये है बॉल हैंगिंग काटी। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह के पैकेट्स में आए हैं और इसके इसमें 15 पीस है और ये 256 रुपीज़ का ये पड़ा है पैकेट। तो 250 रुपये में ये 15 पीस का सेट आता है। तो वही मैं मंगवाई हूँ और देखो, ये कुछ इस तरीके का है। ये देखो, यहाँ पे पीछे एक स्टिकर चिपी, जैसे टेप वगैरह होता ना, स्टिकर्स वगैरह पीछे लगे हुए होते हैं, एक प्लास्टिक से ग्लू से चिपका हुआ, उसे उखाड़ करके इसे दीवार में चिपका दीजिए और ये बहुत ही अच्छे से हैंग करता है, ऐसा दिखाते हैं वीडियोस में। तो मैंने सोचा कि उन्हें एक और ट्राई किया जाए, मुझे भी इसकी ज़रूरत थी। बिना ड्रिल किए काटी की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी घर में, दीवार में फ़ोटो वगैरह लगाने के लिए। तो मैंने भी ऑर्डर कर लिया, आप देखते हैं कैसा है क्या है, इसे यूज करके देखती हूँ। ऐसे प्राइस तो ज़्यादा नहीं लग रहा है, 250 रुपये में 15 पीस का ये सेट है। तो अगर यूजफुल हुआ तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही काम की चीज़ें हो जाएगा ये। बिना ड्रिल किए, बिना ठोके दीवार, बिना छेद किए अगर ये काम कर जाए तो कितनी अच्छी बात है ना, छोटी मोटी चीज़ों के लिए। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके के हैं और 15 पीस है। मैं गिन रही थी कितना पीस है कि नहीं है, बहुत ही जल्द आ गया था ये, 2 दिन के अंदर ही आ गया, ऑर्डर की थी। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके के हैं और इसके जो पीछे का प्लास्टिक से है बहुत ही पतला सा होता है, उसे उखाड़ करके कुछ इस तरह से देखिए दीवार में इसे चिपका देना, अच्छे से प्रेस कर देना है। और एक बार जहाँ लगा दिए उसके बाद फिर दोबारा उखाड़िएगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसके ग्लू ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोग ऐसा जहाँ पे लगाना है एक बार फिक्स कर लीजिए और फिर इसे अच्छे से दबा दबा के प्रेस कर करके इसे ऐसे अच्छे से चिपका दे, ताकि बीच में एयर ना रहे, ताकि आगे चलकर ये उखड़ ना सके। तो इसलिए इसे 1-2 मिनट से अच्छे से दबा दबा के सारे एयर निकाल देने हैं, अच्छे से चिपक जाएगा ये। और देखो, इसमें नट बोल्ट होता है कसने के लिए, खोलने के लिए, ताकि इसमें कोई भी हैंगिंग चीज डाल करके और फिर उसे कस दो तो ये गिरेगा नहीं, कितना भी हवा चले कुछ भी हो ये गिरेगा नहीं। तो ये देखो, इस तरह से कुछ इस तरह से इसे पेचकस के ट्राइट कर देना है और ये देखो हैंग हो जाता है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही ईजी तरीके से। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो मुझे तो ये सच में बहुत ही पसंद आया, हाँ बहुत ही काम की चीज़ें हैं, इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने टाइल्स पे चिपकाया है बाथरूम में, क्योंकि कुछ भी अगर हैंग करना हो तो आपको ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ती है, आप खुद से नहीं कर सकोगे, किसी मिस्त्री को बुलाना पड़ता है। तो इसलिए तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये वॉल काटी रिव्यू? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट से ज़रूर कीजिएगा। तो ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मुझे बहुत ही पसंद आया ये बॉल काटी, बिना मतलब कि छेद किए, बिना ठोके हुए बहुत ही अच्छे से काम करता है ये। और कहीं भी आप इसे चिपका सकते हो, वुड पे भी, लकड़ी पे भी चिपक जाएगा, टाइल्स पे, वॉल पे, हर जगह ये चिपक जाएगा, बहुत ही अच्छे से चिपकता है और कम से कम तो 5 kg तक वजन ज़रूर ये होल्ड कर सकता है। तो मुझे बहुत यूजफुल लगा और देखो, अब तो मैं जिधर चाहे उधर फ़ोटो लगा सकती हूँ, जो भी चाहे कहीं भी कुछ भी कर सकती हूँ, बहुत ही यूजफुल लगा मुझे ये। तो इससे क्या हो गया कि आप जो भी छोटी मोटी चीज़ें कहीं भी सजाना चाहते हो या रखना चाहते हो तो बिना ड्रिल किए, मशीन की ज़रूरत की, दीवार ख़राब किए ये काम कर सकते हैं आप। और मुझे तो ये इसके प्राइस भी अच्छे ठीक ही लगे। तो फ्लिपकार्ट पे बहुत तरह के प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस में बहुत तरह के मिलते हैं, तो मुझे तो ये सच में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। आप लोग को अच्छा लगा नहीं लगा, आप लोग के लिए नया था इन्फॉर्मेशन क्या था ज़रूर बताना। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।
और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट रिव्यू में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ इसलिए सॉरी, और जो भी वीडियो डालती हूँ कुछ नया ही डालती हूँ, तो आप लोग वीडियो भी मिस मत कीजिएगा। तो मिलती हूँ अब, मेरी रेसिपी ब्लॉग कुछ भी हो सकता है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।